से हम। अच्छा, तो आंटी जी कितने ज्यादा खुशी है कि नीरज गोल्ड मेडल। मेरी 100 साल की उम्र होगी, इतनी ज्यादा इतनी खुशी है, इतनी पोस्ते की नहीं थी जितनी इसकी हुई। तो आंटी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो और बताइए कितने ज्यादा खुशी आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। बस खुश मचा लिए जानते जी, मैं तो पैड़ी पाई बैठेगी हिम्मत नहीं चालन की। मतलब सुबह से एक होगा, आप प्रार्थना कर रहे होगे भगवान के आगे कि मेरा बेटा जीत जाए, गोल्ड जीते। तो जमा राम की माला रट रहे थे कती। अच्छा। जो आज तक नहीं हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने पूरे देश की ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, सीधा गोल्ड मेडल, और वो भी एथलेटिक में। पहला गोल्ड एथलेटिक का जो पहला ओलंपिक और पहले ओलंपिक में ही गोल्ड मेडल, और आज तक के इतिहास में एथलेटिक का पहला गोल्ड मेडल हमारा, पहला मेडल मेडल। परिवार को और पूरे गांव को, पूरे देश प्रदेश को बहुत खुशी हो रही है। कितनी उम्मीदें थी, कब बात हुई नीरज से आखिरी आपकी? ये कल गेम से पहले बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन करूंगा और उम्मीदों पर। इसी सोने के तमगे की उम्मीद थी और वही सोने का तमगा आया। 13 साल बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। हरियाणा के छोरे ने लठगाड़ दिया और इस समय हम पानीपत में मौजूद हैं। नीरज चोपड़ा का ये घर, सुबह से ही यहाँ पर उत्सुकता लगी हुई थी कि क्या मेडल आएगा, क्योंकि उम्मीद सभी को थी और नीरज ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और पहले स्थान पर रहे और भारत को मिला सोने का तमगा। जी हाँ, और इसी सोने के तमगे की उम्मीद थी और वही सोने का तमगा आया। 13 साल बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था और उसके बाद इंतजार 2021 का, और वहां पर नीरज चोपड़ा ने भारत का जो सोने का सूखा था उस सोने के सूखे को पूरा कर दिया और घर में खुशी का माहौल है। पिताजी हमारे साथ हैं, पिताजी से कितनी खुशी अंकल जी, सुबह से खुशी खुशी। जैसे चीयर हो रहा है आपको पता है, पूरे परिवार को और पूरे गांव को, पूरे देश प्रदेश को बहुत खुशी हो रही है। कितनी उम्मीदें थी, कब बात हुई नीरज से आखिरी आपकी? ये कल गेम से पहले बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन करूंगा और उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, और वो उसने आज कर दिखाया। बहुत उम्मीद नीरज से थी क्योंकि गोल्ड एक भी नहीं था हमारे पास इस ओलंपिक में, वो सूखा पूरा उसने दूर कर दिया हमारा। वैसे तो उम्मीदें तो काफी खिलाड़ियों से थी, लेकिन वो नहीं पूरा हो पाया। अब आखिरी उम्मीद नीरज बचा था, तो नीरज ने देश को जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतर कर गर्व का काम किया है। मेडल जीतने के बाद बात हुई या कुछ देर तक? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ जी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सबने बधाई दी है, ये गर्व का मौका है, आप समझते हैं? सभी की बधाइयां आ रही हैं, सीएम से भी और भी ऑफिसर हैं जितने अपने गस्टीड ऑफिसर हैं, सबसे बातें हो रही हैं, तो सभी बधाइयां दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पोडियम, पहले ही ओलंपिक के अंदर पोडियम खत्म कर देना, यानी कि पोडियम पर चढ़ना और बीच में, यानी कि जहां पर गोल्ड मेडल होता है, तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, कितनी गर्व की बात हमारे लिए जी। अपना राष्ट्रगान अगर किसी दूसरे देश के पोडियम पर बजता है तो पूरे देश के लिए वो गर्व की बात होती है और वो गर्व के पल होते हैं। हम भी आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं, ये देख सकते हैं खुशी का माहौल है, और डीसी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम चाचा भाई सब मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी? मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए कि इस ओलंपिक में हमारा जो गोल्ड मेडल आया है उसने पूरे के पूरे देश का, पूरे के पूरे हरियाणा का और हमारे जिला पानीपत का इतना सिर ऊंचा कर दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है उस खुशी के बयान कर जी। हेलो, नमस्कार जी। आप देख सकते हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आया है और वो बधाई दे रहे हैं उनके पिता को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धनखड़ जी आप देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला का भी यहाँ पर फोन आया हुआ है। धन्यवाद जी, दुआएं हैं आप लोगों की जो ये संभव हो पाया है। धनखड़ साहब का, धनखड़ साहब का, ओपी धनखड़ जी का। हाँ, दे दो। हाँ, एक मिनट अभी। जी जी, नमस्कार सर। सुशील साहब बात कर रहा हूँ। सर सुशील साहब बात कर रहा हूँ। जी सर। हाँ जी सर। जी सर, पूरे देश की उम्मीदें टिकी थी
और पूरे देश की उम्मीदों पर खरा उतरा। हमें भी गर्व है और पूरे देश को भी गर्व है उस बच्चे पर। हाँ, बोलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी सर, जी 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 सर जी, थैंक्स सर, धन्यवाद आपका सर जी। सर तो देख सकते हैं दुष्यंत चौटाला जी ने बात की है, मुख्यमंत्री अब बात कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़। नमस्कार धनखड़ जी, और ये ना सब 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 आपकी खिचड़ी का कमाल है बस जी। गेस्ट हाउस में पता नहीं क्या क्या खिलाया है और आज देखो क्या मुकाम हासिल। जी सर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल रामा जी, बिल्कुल आप लोग उसकी भी मेहनत का नजर, आप लोगों की भी मेहनत ने आज रंग दिखाया जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामा जी, आपका फुर्सत में आपसे बात करके बच्चे ने। जी सर, सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया है। हाँ रविंद्र भाई, हाँ जी सर, रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद भाई रविंद्र, सोना गाड़ी की अलर्ट सच हो रहे ना जी। तो आप देख सकते हैं फोन पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है, कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी आपकी उम्र का लड़का है। हमें बहुत खुशी है, हम नीरज भाई ने हमारे देश का हमारे गांव का नाम रोशन किया है और ये ओलंपिक में 2020 में पहला गोल्ड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके साथ खेला है, आपका जूनियर रहा है नीरज जी, जी। नीरज की जो टेक्निक थी, वो जो पोस्चर है नीरज का थ्रो करने का, वो बहुत ही शानदार था। और जो हमारे कोच साहब, उन्होंने जब देखते उसकी थ्रो कह दिया था कि नीरज 100% देश के लिए मेडल जीतेगा, क्योंकि नीरज की जो टेक्निक है वो ऐसी ज़बरदस्त थी। क्योंकि जैसे जो हमारे फाइट में थे ओलंपिक के अंदर, वो जॉन वेटर थे जर्मनी के, और जिनका 2016 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया। जर्मनी वाला तो आज पहले ही बाहर हो गया था। वो फाइनल की जो 12 थ्रो एट जो होते हैं, जो 12 होते हैं उसमें बेस्ट 3 थ्रो होती है, उनमें जिसकी अच्छी होगी वो बेस्ट 8 रह जाते हैं, बाकी जो 4 रह जाते हैं बाद के वाले एलिमिनेट हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। आज नीरज ने बाल भी कटवाए हुए थे शायद। जी जी, बाल पहले ही कटवाए हुए थे क्योंकि फाइनल था, तो अपने आप को थोड़ा बालों में जकड़न महसूस हो रही थी, इसलिए उसने पहले ही कटवा दी कि ओलंपिक के अंदर देश को सीना चौड़ा होएगा, क्योंकि पता ही था देश का मेडल आना है। क्योंकि गोल्ड मैंने तो पहले ही देख दिया था कि 87 थ्रो कर दी कि कोई कॉम्पिटिटिव नहीं, 87.58 रहा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पड़ोसी हैं। लड़के ने लट गाड़ दिया, जो सूखा था 90 साल का एथलेटिक्स में गोल्ड का, वो आज नीरज ने पूरा कर दिया है, और आज पोडियम पे गोल्ड उस इंडिया का राष्ट्रीय गान बजवा ही दिया। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद है, डीसी साहब कितनी खुशी। बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और मैं तो शाम को ही आ गया था दोपहर को ही, कि मुझे पता था बेटे का मैच है, और बेटा जाते वक्त भी सबको कह के गया था कि अब की बार में गोल्ड लेके आऊंगा, उसने कर दिखाया। चाचा जी कितनी खुशी, बहुत खुशी है, खुशी का शब्दों में आकलन नहीं हो सकता। आज वो कर दिया बेटे ने जो आज तक नहीं हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने पूरे देश ब्रॉन्ज नहीं, सिल्वर नहीं, सीधा गोल्ड मेडल, और वो भी एथलेटिक में, पहला गोल्ड, पहला गोल्ड एथलेटिक का, जो पहला गोल्ड, पहला ओलंपिक और पहले ओलंपिक में ही गोल्ड मेडल, और आज तक के इतिहास में एथलेटिक का पहला गोल्ड मेडल हमारा, पहला मेडल मेडल। ये खुशी है उनकी माता जी, जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। मीडिया का तांता लगा हुआ है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और ये भीड़ है, और इसी भीड़ के साथ जो है जश्न वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कहां पर मुकाबला देख रहे थे आप लोग, कहां बाहर बैठे? यस सर, बहुत स्क्रीन लगी हुई, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। आसपास के गांव के लोग और पूरा गांव, यहां पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे, बहुत ही जश्न के साथ। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला होता है, हम बड़ी स्क्रीन लगा लेते हैं, उससे भी कई ज्यादा इसमें वो हमारे लिए त्यौहार से बढ़ के हो गया जी आज का दिन। ये देख सकते हैं त्योहार से भी ज्यादा बड़ा हो गया, और सभी यहाँ पर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और लोग उसे नीरज ने पहले ही थ्रो में शो कर दिया था वो गोल्ड से कम। आज हमारे भाई ने पहला थ्रो भगा था, और पहले थ्रो के साथ ही गोल्ड पक्का कर दिया था। दूसरे थ्रो में तो पूरा ही लटका दिया था, 100 के भी 110% बिल्कुल कंफर्म हो गया था, गांव वालों को भी देश को भी गोल्ड आएगा, और वो कर दिखाया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। पहले सबने सुना था अगर हरियाणा के लड़के लठ गाड़ देते, आज देख भी लिया, तो ये खुशी है, और आप देख सकते हैं खुशी का माहौल हर जगह बढ़ता हुआ जा रहा है, और हम भी इंग्लिश में कह सकते हो आप जेलविन, वैसे हरियाणवी में हम ये एक तरह का लठी है जो गाड़ा है। लड़के ने मिसाइल लॉन्च कर दी, मिसाइल लॉन्च कर दी, और जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई
भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो गया एथलेटिक्स के अंदर। ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है 2008 के बाद, ये दूसरा गोल्ड मेडल है इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि तब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर मेडल जीता था। और चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो या फिर कोई अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने लठ गाड़ा था। और आज ओलंपिक में जब लठ गाड़ा दूसरे थ्रो के बाद, क्योंकि पहले थ्रो के बाद कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन दूसरे थ्रो के अंदर जब उसने 87.58 मीटर का थ्रो फेंका, उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि हमारा मेडल आ रहा है। और साथ ही साथ मेडल की उम्मीद बढ़ती रही और गोल्ड मेडल भारत के नाम आ गया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, घर में बैठे हैं तो आप मिठाई खाइए, हम यहाँ पर मिठाई खा रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं, इतने सालों बाद कहा है सूखे के बाद कहते हैं बाहर आई है, इतनी ज्यादा खुशी हुई है। हमारे हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया अगर हरियाणवी में कहा जाए तो। तो इस वक्त हम लोग आप लोगों को लेकर पहुंचे हुए हैं नीरज चोपड़ा के गांव, जो कि हरियाणा के पानीपत के खांद्रा एक जो गांव है, हम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं खुशी का माहौल है चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं क्योंकि इतने सालों के बाद हम लोगों को गोल्ड मिला है। 2008 के बाद यानी कि 13 साल के बाद हम लोगों को गोल्ड मिला है इंडिविजुअली। एंड एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स में ये ओलंपिक्स में हमारा इंडिया का पहला गोल्ड है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। इस वक्त हम उनके गांव पहुंचे हुए हैं और उनकी माँ हमारे साथ है, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि बेटे को गोल्ड मेडल मिला है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले तो आंटी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको तो, और बताइए कितने ज़्यादा खुश है आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। बस खुश मचा लिए जानते जी, मैं तो पैड़ी पाई बैठेगी हिम्मत नहीं चालन की तो मतलब सुबह से होगा प्रार्थना कर रहे होगे भगवान के आगे कि मेरा बेटा जीत जाए, गोल्ड जीते तो जमा राम की माला रट रहे थे कती। अच्छा, तो जैसे ही जीते फिर मतलब पूरे मतलब गांव के आसपास के लोग आपके पास बहुत ही फ़ोन भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल्स लोगों के, मीडिया बहुत ही आपके आसपास सब लोग आ चुके हैं, पड़ोसी हर को, तो मतलब कैसा ये कैसा माहौल है, क्या है बताना चाहती हैं जी? जमा खुशी हो रही है, चुगर देखो जमा कते लाडू बन रहे, इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी, आप लोग देख सकते हैं आंटी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप कौन है? मैं सिस्टर हूँ, उनकी कजन सिस्टर। ओके, आप कजन सिस्टर हैं, तो आप कितनी मतलब क्या कहना चाहती हैं नीरज, जो मतलब एक कहते हैं सूखा था हमारे देश में गोल्ड का, इतने सालों के बाद हमको गोल्ड मेडल मिले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम बहुत खुश हैं, जैवलिन थ्रो में हमारा पहला ही गोल्ड आया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। तो आंटी जी, और आप, आपके बेटे से बहुत से लोगों को, बच्चों को आगे सीखने को मिल रहा है, नीरज को देख के बहुत से आगे बच्चे कहेंगे कि हमें भी ओलंपिक्स में जाके गोल्ड लेकर आना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से? हम तो नहीं हुए काम आज, जिसके बच्चे लेकर जाए बढ़िया, मेहनत करो खूब। तो एक मतलब खुशी का पूरा माहौल है गाँव में, आपके रिश्तेदारों से भी बहुत फोन आ रहे होंगे सबके? हाँ, बहुत खुशी हो रही है जी, रिश्तेदार के भी आ रहे हैं, आगे बच्चा ना भी बहुत खुशी हो रही है, काम भी इतनी मेहनत कर, हम भी जाओ। और अब इंतजार होगा कि नीरज घर कब वापिस आएगा गोल्ड लेकर। हाँ, बस इंतजार तो है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा खुशी है, माँ है तो माँ बहुत ज़्यादा खुशी है, माँ के साथ साथ जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मीडिया का पूरा तांता लगा हुआ, मीडिया आई हुई है, हर तरफ से लोग आए हुए, जिसको पता चल रहा है कि नीरज इस गांव का रहने वाला है, गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुशियाँ को आप लोग भी बांटते रहिए। और भी परिवार के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। तो आप मतलब नीरज की क्या लगती हैं? ताई लगती हूँ, पड़ोस में से हूँ। अच्छा, तो आंटी जी कितने ज़्यादा खुशी है कि नीरज गोल्ड मेडल? मेरी 100 साल की उम्र होगी, इतनी ज्यादा इतनी खुशी है, इतनी पोते की नहीं थी जितनी इसकी हुई है। तो मतलब पोते की इतनी ज्यादा खुशी नहीं जितना नीरज के गोल्ड लाने की खुशी हुई है। और क्या कहना चाहती है आप? मैं इतनी उम्र बैठे की इतनी लंबी उम्र और इतनी मेडल जीत के लिया हुआ है, मतलब आज तो सुबह बहुत खुशी है, सुबह से ही पूरे गांव वालों की प्रार्थना चल रही होगी की प्रार्थना, बहुत पूजा पाठ चल रही, बहुत जीत जा मेरा बेटा जीत जा। हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ, तो नमस्ते आंटी जी, आप कौन है नीरज की और कितनी ज्यादा खुशी है? पड़ोस की चाची हूँ। अच्छा। बहुत खुशी हो रही है हमने, हम नीरज के घर पे ही बैठे हैं खुशी में। तो आप लोगों ने मिठाई खाई? हाँ, मिठाई खाई, सब ठंडे पिए, सारे चीज खाने लग रहे हम खुशी में। तो बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मिठाई सबने खाई है। तो नमस्ते आंटी जी, आप कौन हैं और कितनी ज्यादा खुशी है? की दादी हूँ, पड़ोस में रहे। की दादी जी। हाँ। तो मतलब आप तो बहुत ज्यादा खुशी होंगे, पोता गोल्ड लेकर आया है। मैं बहुत खुशी, बहुत मन तो एन देखा, ध्यान लगाया करती अपना पोता। अच्छा, पूरा मैच देखा आपने? पूरा मैच देखा मैंने। तो मतलब उस टाइम तो पूरा चल रहा होगा, भगवान से बस हमको ही जिता दो। पिट्टी हमने तो एन जमा।
बहुत अच्छा लगा। मैं तो नहीं पूछा बेटे सब कहते हो राम। तो मैच स्टार्ट होने से पहले बात हुई थी आपकी नीरज से? नहीं जी, मेरे से बात नहीं हुई थी। अच्छा, तो मतलब पूरी तैयारियां वैयारियां जब नीरज यहाँ से गया था, एक सपना लेकर गया होगा, गांव वालों का पूरा एक सपना था कि वो जीत कर लाए गोल्ड, तो वो सपना साकार हो गया। भगवान पर भी जानो आज और मैच बहुत बढ़िया हो उसका। तो देख सकते हैं नीरज की दादी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है, चाहे वो पड़ोस की चाची ताई हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हैं क्योंकि इतने सालों के बाद हमें गोल्ड मिला है। और जब यहाँ से वो निकले होंगे खेलने के लिए, एक सपना तो ऑब्वियसली हर कोई लेकर जाता है कि ओलंपिक्स में जा रहे हैं, गोल्ड लेकर आए, लेकिन वो सपना साकार कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुशियाँ सब लोग यहाँ बना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर पर जाइए, अपने घर पर बैठिए, आप लोग मिठाई लेकर आए, आप लोग भी मिठाई खाकर एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।